जैन साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत का सर पूरी दुनिया के सामने शर्म से झुका दिया है। राफेल रक्षा सौदा याद होगा आपको, और बार बार हम लोगों ने यह बात कही थी कि राफेल रक्षा सौदे में, यानी भारत माता की रक्षा के सौदे में 500 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ रुपए में खरीदा गया, एक महाघोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तमाम बातें हुई थी, लेकिन आज जो सच सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। और वो सच ये है कि एक दलाल के माध्यम से, जिस दलाल ने ये रक्षा सौदे को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई मोदी सरकार के साथ मिलकर, उसको डेसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाती है उस कंपनी ने 1 मिलियन यूरो की दलाली दी, 5 लाख यूरो गिफ्ट के तौर पे दिया। और ये सब कुछ खबर सामने आई, एक एंटी करप्शन एजेंसी जब फ्रांस के अंदर इस पूरे मामले की जांच करती है वो, और नाम किसका आया, सुसेन गुप्ता, अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में जो दलाल जेल जा चुका है, भ्रष्टाचार के मामले में, रक्षा सौदे की दलाली के मामले में जो व्यक्ति पहले ही जेल जा चुका है, उसके साथ मिलकर मोदी सरकार ने अपना भी मुंह काला किया और देश का सर शर्म से झुका दिया। राफेल रक्षा सौदे की दलाली को लेकर आपको याद होगा मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की, और इस मामले में मैं शुरू से कह रहा हूं कि 3 गुने से ज्यादा अधिक दामों पर राफेल की खरीद हुई और उसमें एक महाघोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। मोदी सरकार को आज पूरे देश के सामने जवाब देना चाहिए। मोदी जी, आप नारा देते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप तो सर से लेकर पांव तक आपकी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबी हुई है, और ये तो एक ऐसा घोटाला है जो भारत माता की रक्षा के लिए किए गए सौदे में किया गया घोटाला। भारत माता की रक्षा के लिए किए गए राफेल की खरीद में घोटाला है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश के जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, आज हमारे गृहमंत्री वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, किन हाथों से आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, किस मुंह से आप भारत माता का नाम लेते हैं, जो हाथ दलाली खाते हैं, जो सरकार भ्रष्टाचार करती है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा सच सामने आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस सच को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और रक्षा सौदे राफेल में दलाली खाई गई है। और इसीलिए बार बार मैं नारा लगाता हूं इस सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि चेहरे पर जो लाली है वो राफेल की दलाली है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।